में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है।
सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान है, शिल्पा मैम। 7 साल की है आप? हाँ जी। हे भगवान, माय गॉड, क्या कॉन्फिडेंस है। पता है, ये मेरी जिंदगी का, मेरे करियर का सबसे पहला गाना है। और आवाज किसकी थी? अलका जी। तो आफ्टर 29 ईयर्स मैं हम लोग एक्चुअली एक साथ एक मंच पे बैठ के इस गाने को सुन रहे हैं पहली बार। दैट्स राइट। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। इट्स सो वियर्ड। तो जब मेरी शुरुआत हुई, मैंने कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी, मैं सिर्फ 17 साल की थी, एंड आई वाज रियली वेरी वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री। तो मुझे सिखाने वाला कोई था नहीं, लिपसिंक भी कैसे करते हैं वो भी नहीं पता था मुझे। और गाना लिपसिंक करना बहुत इजी है, लेकिन कुछ इमोशंस को लिपसिंक करना बहुत मुश्किल। तो गाने में अलका जी ने जिस तरीके से ओए 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 गाया है, उसके कुछ 17 रिटेक हुए, क्योंकि हो ही नहीं रहा था मुझसे। गाना वाना सब हो गया, बट दैट ओए 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 वाला इमोशन और जिस तरीके से उन्होंने किया, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। लेकिन वो ओए 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 जो किया आपने, उससे वो जो सारी अदायगी, वो मस्ती, वो शर्माना, वो सारी चीज़ों को, मतलब उसका जो भेलपूरी बना के आपने जो पेश किया, जो मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, वो अलका जी का है। बहुत सारा श्रेय उनको जाता है। मैंने जब पूछा कि कौन है जिसके लिए मैं गा रही हूँ, नई लड़की है, नई लड़की है, इतना ही मुझे बोला। तो ये नई लड़की बैठी, देखो आ जा। जिस तरीके से इस बच्ची ने गाया है, ओ माय गॉड, कम्प्लीटली जस्टिफाई किया, क्या इमोशंस के साथ, जिस मस्ती के साथ गाया है उसने। और मैंने सुना है साइशा, आप मिस यूनिवर्स बनना चाहती हैं। हाँ जी। पता है, आप मिस यूनिवर्स बन सकती है, लेकिन कोई भी मिस यूनिवर्स जो है वो आप के जैसे गा नहीं सकती।
मनी, तुम वो नायाब एक हीरा हो जो मुझे पता है कि वो कोहिनूर हीरा कहलाएगा, और अगर ऊपर वाले ने चाहा जिंदगी दी तो इंतज़ार करूँगी ये देखने के लिए कि तुम कब बड़े होते हो और तुम्हारा नाम सारी दुनिया में फैलता है। क्योंकि तो मुझे जो एक दिख रहा है कलाकार यहाँ, उसकी जगह आसमान में है। आई लव यू। थैंक यू सलमान। मैं से मीना से ना साकी से ना पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आ गया जब सामने ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने फूलों से भी दिल ना बहला हम लगे तुझे ढूंढने जन्नत की बहारों से ना परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, 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 आपके आ जाने से। हाय फैज, मैं अनन्या बोल रही हूँ। मुझे आपकी आवाज बहुत 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 पसंद है, मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद है। ये शो प्लीज जीत कर आना। लॉट्स ऑफ लव। वाओ, चलिए आप बेहोश हो जाइए, यही टाइम है। वो क्या, फैज को नींद नहीं आएगी आज। मुझे आपका नंबर दे देना और मैं आपको फॉरवर्ड कर लूंगा। क्या बात है। थैंक यू फैज, थैंक यू अरुणिता, दोनों के लिए तालियां। वेल डन, क्या बात है, छा गया लड़का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.